अरे भाभी, हम एक तीर से दो शिकार करते हैं। भाभी, हम बच्चों के फोटोग्राफ्स बनाने के लिए फोटोग्राफर को बुलाएंगे, इसी बहाने हम अपना फैमिली फोटो शूट करवाएंगे। ये क्या है? हम ये तस्वीर बनाते वक्त पहनेंगे। ये पहनोगे? जी जनाबी। अरे आप इधर आए, मैं आपको बताता हूँ कैसे। जी ओ भाई, ठहरो ठहरो, बस ठीक है ठीक है भाई, ऐसे ही तुम भी उसके साथ। साहब थोड़ा सा पीछे हुए, ओके इधर देखें, चले नेक्स्ट नेक्स्ट प्लीज। चलो बेटा जल्दी से आ जाओ। सेकंड फैमिली आई जी। आ जाए आप सारे आ। ओके एक तस्वीर हमारी बना। आप मेरे दोस्त अंजुम चाचा, कैसे हैं आप? ला हौल वला कुव्वत। ये टोपी किस तरह पहनी हुई है आपने? तौबा तौबा, इतने फैशन आ गया ना, आप तो समझ रहे होंगे बहुत खूबसूरत लग रहे हो। अरे भाई गुनाह मिलता है टोपी से। गुनाह? क्या हो गया अंजुम चाचा? कारी साहब, आप कारी कम और फैशन की दुकान ज्यादा लग रहे हैं, इसलिए मैंने कहा है। ओ मेरे जिगरी दोस्त, हमारे साथ मेहमान आए हैं, उन्हें प्लीज गाड़ी से निकाल लें, मैं अंदर जा रहा हूँ, उन्हें पीछे पीछे ले आए। और प्लीज हैंडल विद केयर। ये कौन से मेहमान है जिनको हैंडल लगा हुआ है? अब इनके भी काम करने पड़ेंगे हमें। मैं अंजुम बाबा, आज चले अंदर। नहीं क्यों? मैं मुझे जानती हो ना, मैंने कहानियां सुनाई थी। आजो आजो मेरे पास, आजो ऐसे ऐसे आजो आजो आजो। वाह भाई इतनी खामोशी, लगता है मैं किसी गलत घर में आ गया हूँ। नहीं नहीं कल सब आए हैं, आप सही जगह पर हैं। सनी बेटा, जाके हमारे मेहमान को लेकर आओ, अंजुम बाबा के पास है। मैं जल्दी जाओ। अच्छा तो ये सब तैयारियां मेरे मेहमान की वजह से हैं? अब हम करेंगे मीठी मीठी बात। वाह वा, वा, बड़ा अच्छा तौलिया रखा हुआ, मुझसे भी अच्छा। चलो आज आपको वो आपका दोस्त आ गया। चलो
बातें करें आप जाके। हमारा मेहमान आ गया। हाँ मैं अब इसको गाड़ी में रख लूँ, घूमना होता है। ये देखो कौन आया है। टेंटेंटें, ये हैं हमारे खास और खास मेहमान। क्या हो रहा है? अम्मी जान, हेजल वापस आ गई है। हाँ मगर ये तो जी इसे मैं लेकर आया हूँ। चिंटू की अम्मा ने ये बिल्ली मुझे दे दी, मुझे कुछ काम था तो सोचा कि कुछ दिनों के लिए उसे यहाँ छोड़ जाऊँ। कुछ दिन? जी बिल्कुल। वाओ, यस। और आपके मेहमान? यही हैं, हमारी मेहमान अच्छी है ना। खाने पीने को कुछ नहीं बनाया आपने? तो बच्चों कैसा लगा आपको सरप्राइज? बहुत 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 अच्छा लगा काई साहब। बस अब आपने इसका ख्याल रखना है। जब जानवरों को पालते हैं तो उनका ख्याल भी रखते हैं। जानवरों के बड़े हुकूक होते हैं। काई साहब, जानवरों के क्या हुकूक होते हैं? भाई सिंपल, इनके खाने पीने और आराम का ख्याल रखना चाहिए। और अगर जानवर बड़े हों जैसे कि घोड़ा गधा, तो इन पे ज्यादा बोझ नहीं लादना चाहिए और इनको मारना भी नहीं चाहिए। और अगर जानवर छोटे हों जैसे कि बिल्ली चूजा, तो उनको एहतियात से पकड़ना चाहिए। जानवर भी छोटे बच्चों की तरह होते हैं। लोग परिंदे भी तो पालते हैं, जैसे कबूतर तोते, इनके क्या हकूक होते हैं? बेटा सच पूछो तो परिंदों का तो सबसे बड़ा हक ये है कि उन्हें अपने शौक की खातिर पिंजरे में बंद ना किया जाए बल्कि आज़ाद छोड़ दिया जाए। अल्लाह ताला ने परिंदे को पर फिजा में उड़ने के लिए दिए हैं। बल्कि मैंने तो अक्सर ऐसे लोगों को भी देखा है जो कि तोते और कबूतर वगैरह के पर तक काटते हैं। काजी साहब, हमने तो मछलियाँ भी रखी थी, उनके क्या हकूक होते हैं? भाई इसमें हंसने की क्या बात है, मछली भी तो जानवर है। उसके लिए साफ पानी का बंदोबस्त करना चाहिए और खुराक वक्त पे देनी चाहिए। मछलियाँ रखना तो बहुत अच्छी बात है। आपकी मछलियाँ कहाँ गई? काजी साहब, ये शेरी और सनी ने मछलियों को पॉपकॉर्न खिला के उन्हें मार दिया। जी नहीं, जो मैं उनको खिलाता था वो पॉपकॉर्न थे, लेकिन सनी उनको थर्माकोल छींट के दाने खिला देता था, वो खाकर वो मर गई। बहुत बुरी बात है बेटा, जानवरों को उल्टी सीधी चीजें बिल्कुल नहीं खिलानी चाहिए। बच्चों मत तंग करो इसे, मैं कह रहा हूँ आप लोगों से डर के इधर उधर भाग रही है। कारी साहब, वो नहीं डर रहे हमसे, हम डर कर भाग रहे हैं उससे। काली साहब, क्या हुआ आपको? और एक कमरे में इतना शोर कैसा है? बच्चे बिल्ली बच्चों में फंस गई है। काली साहब, आप इस बिल्ली को क्यों लेकर आए हैं? देखिए बच्चे बिल्ली को मिस कर रहे थे तो मैं थोड़ी देर के लिए ले आया, वापस ले जाऊंगा। अभी मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। और हाँ, वो प्लीज जरा बच्चों को देख लीजिएगा, कंट्रोल कर लीजिएगा, बिल्ली को कुछ कहना दें। खुदा हाफिज। फिक्र न करें कारी साहब, कुछ दिन क्या, इस बिल्ली को मैंने 2 दिन में बेच न ना दिया तो मेरा नाम भी मिस पा नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ मिसबा, ये मुंह क्यों उतरा हुआ तुम्हारा? हस्बे मामूल। आपको क्या बताऊं,
आपको क्या पता कि इस घर में क्या हो रहा है? आप तो मजे से ऑफिस में बैठे रहते हैं। भाई रिलैक्स नहीं बैठा रहता, काम करता हूँ, काम समझे। खैर तुम बताओ क्या हुआ तुम्हें? आपको पता है कारी साहब वही बिल्ली उठा लाए जिसको हमने बड़ी मुश्किल से भगाया था। क्या हमारी हेजल वापस आ गई? ये तो बहुत अच्छा हुआ, मैं अभी फ्रेश हो गया तो फिर आगे उसको देखता हूँ, ठीक है? जबरदस्त। अभी बताती हूँ इनको बच्चों के घर को, यही निकालेंगे इस बिल्ली को घर से बाहर। अरे 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 कितनी प्यारी है हेजल, आ गई वापस तुम। अरे 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 कितनी प्यारी है हेजल, देखो हेजल वापस आ गई। भाभी एक आइडिया, ऐसा करते हैं जब बच्चे सो जाएंगे मैं और आप अंजू बाबा के साथ जाके बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आएंगे। क्या हुआ भाभी, बहुत थकी हुई लग रही है। बस क्या बताऊं, सारा दिन घर का पूरा काम किया बुआ के साथ मिलकर, और किस्म किस्म के खाने पकवाए कि मेहमान आ रहे हैं। मेहमान नवाजी में किसी किस्म की कोई कमी ना रहे, पर मेहमान आया कौन? बिल्ली। तो और क्या भाभी, मेरी अपनी कमर इतनी दुख रही है, सुबह से अकेले मैंने खुद बच्चों के रूम से लेके टीवी रूम तक एक एक चीज उठाकर सारे घर की सफाई की। इसी गलत फहमी में पता नहीं कौन आ रहा। तुम बुआ को बुला लेती? कैसे बुला लेती मामी? कैसे बुलाती, बुआ क्या करे और कैसे? मेरा मतलब है आपने अपने साथ काम पे लगाया हुआ था बुआ को, मैं कैसे बुला लेती? भाई मैं भी तो बुला लेती हूँ ना जब तुम्हारे पास होती है ऊपर। अब ये ना कह देना कि भाभी आपकी वजह से मैंने अकेले सारा काम किया। मैं तो बच्चों को लेने के लिए आई थी, इधर बातों में लग गई, कहाँ है वो, नजर नहीं आ रहे। मेरे बच्चों के साथ नीचे ही तो गए थे बिल्ली के पीछे पीछे। क्या बच्चे तो नीचे नहीं है? ठहरो जरा, अगर इस वक्त तक ये बच्चे बाहर है ना तो फिर आज इनकी खैर नहीं। भाभी एक आइडिया, ऐसा करते हैं जब बच्चे सो जाएंगे मैं और आप अंजू बाबा के साथ जाके बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आएंगे। बिल्कुल ठीक, पर जीनत के घर में, किसी ऐसी जगह जहां बच्चे या कोई और उसको वापस ना ला सके। बिल्कुल। बुआ ये जरा सलाद बना दे और फिर आप बच्चों को बुला ले, मैं फैजान को बुला के लाती हूँ। जी बेटा। अच्छा अस्सलाम वालेकुम बुआ। तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? डांस। मेरा मतलब है आके फैमिली में शादियाँ आ रही है ना, तो हम सब उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो चलो भाई अब सबके सब यहाँ से स्टेप लेकर आगे जाएंगे, ठीक है? चलो यूं यूं।
मगर गाना तो कोई लगा ही नहीं है। हम मुंह से गा रहे थे ना, शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलने आयो शक्कर भंडारे। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, आप सब लोग खाने की टेबल पे आ जाएं। मिस बा बेटी कह रही है आज खाना सब इकट्ठे खाएंगे। चलो चलो बहुत भूख लग रही है। आप हाथ धोकर आ जाएं, मैं सदफ और रिजवान बेटे को बुला कर लाती हूँ। ठीक है जी बुआ। ठीक है। किसी को ये बात पता ना चले कि हेजल घर पर है, सबने यही बताना है कि हम हेजल को चिंटू के घर छोड़ कर आए। ठीक है ना? ओके चलो फिर 10 मिनट चलते। फिजान अब आ भी जाएं। आ गया भाई, क्या हो गया? इतना स्पेशल खाना बनाया था लेकिन कोई फायदा नहीं। ओहो क्या किसी की दावत है? नहीं नहीं तो आपके लिए बनाया था, फिर मैंने सोचा कि सदफ और रिजवान को भी बुला लेते हैं, काफी दिनों से इकट्ठे खाना नहीं खाया ना। क्या मुझे अपने गुनाहगार कानों पे यकीन नहीं आ रहा, यानी तुम सदफ के साथ बैठ के इकट्ठे तुम दोनों खाना खाओगे? जी चलें हम देखेंगे, हम देखेंगे लाजिम है। क्या हुआ भाभी, बहुत थकी हुई लग रही है? बस क्या बताऊं, सारा दिन घर का पूरा काम किया बुआ के साथ मिलकर, और किस्म किस्म के खाने पकवाए कि मेहमान आ रहे हैं, मेहमान नवाजी में किसी किस्म की कोई कमी ना रहे। पर मेहमान आया कौन? बिल्ली। तो और क्या भाभी, मेरी अपनी कमर इतनी दुख रही है, सुबह से अकेले मैंने खुद बच्चों के रूम से लेके टीवी रूम तक एक एक चीज उठाकर सारे घर की सफाई की। इसी गलत फहमी में क्या पता नहीं कौन आ रहा। तुम बुआ को बुला लेती? कैसे बुला लेती मामी? कैसे बुलाती? बुआ क्या करे और कैसे? मेरा मतलब है आपने अपने साथ काम पे लगाया हुआ था बुआ को, मैं कैसे बुला लेती? भाई मैं भी तो बुला लेती हूँ ना जब तुम्हारे पास होती है ऊपर। अब ये ना कह देना कि भाभी आपकी वजह से मैंने अकेले सारा काम किया। मैं तो बच्चों को लेने के लिए आई थी, इधर बातों में लग गई, कहाँ है वो, नजर नहीं आ रहे। मेरे बच्चों के साथ नीचे ही तो गए थे बिल्ली के पीछे पीछे। क्या बच्चे तो नीचे नहीं है? ठहरो जरा, अगर इस वक्त तक ये बच्चे बाहर है ना तो फिर आज इनकी खैर नहीं। भाभी एक आइडिया, ऐसा करते हैं जब बच्चे सो जाएंगे मैं और आप अंजू बाबा के साथ जाके बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आएंगे। बिल्कुल ठीक, पर जीनत के घर में, किसी ऐसी जगह जहां बच्चे या कोई और उसको वापस ना ला सके। बिल्कुल। बुआ ये जरा सलाद बना दे और फिर आप बच्चों को बुला ले, मैं फैजान को बुला के लाती हूँ। जी बेटा। अच्छा
अस्सलाम वालेकुम बुआ। तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? डांस। मेरा मतलब है आके फैमिली में शादियाँ आ रही है ना, तो हम सब उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो चलो भाई, अब सबके सब यहाँ से स्टेप लेकर आगे जाएंगे, ठीक। चलो यूं यूं। मगर गाना तो कोई लगा ही नहीं है। हम मुंह से गा रहे थे ना, शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलने आयो, शक्कर भंडारे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। आप सब लोग खाने की टेबल पे आ जाएं। मिस बा बेटी कह रही है आज खाना सब इकट्ठे खाएंगे। चलो चलो, बहुत भूख लग रही है। आप हाथ धोकर आ जाएं, मैं सदफ और रिजवान बेटे को बुला कर लाती हूँ, ठीक है? जी बुआ, ठीक है। किसी को ये बात पता ना चले कि हेजल घर पर है, सबने यही बताना है कि हम हेजल को चिंटू के घर छोड़ कर आए, ठीक है ना? ओके। चलो फिर चलते हैं। फिजान, अब आप ही जाएं। आ गया भाई, क्या हो गया? इतना स्पेशल खाना बनाया था लेकिन कोई फायदा नहीं। ओहो, क्या किसी की दावत है? नहीं नहीं, तो आपके लिए बनाया था। फिर मैंने सोचा कि सदफ और रिजवान को भी बुला लेते हैं, काफी दिनों से इकट्ठे खाना नहीं खाया ना। क्या, मुझे अपने गुनाहगार कानों पे यकीन नहीं आ रहा। यानी तुम सदफ के साथ बैठ के इकट्ठे तुम दोनों खाना खाओगे? जी चले, हम देखेंगे, लाजिम है। अरे वाह, आज तो आप दोनों मिलके पढ़ रहे हैं। जी अम्मी। वेरी नाइस, कीप इट अप। बस कर दो बच्चों, इतना पढ़ पढ़ के कमजोर हो जाओगे। कब से कमरे में बंद हो? तुम दोनों सुबह से इस काम में लगे हुए थे और अम्मी और चची जान को लग रहा था कि तुम दोनों पढ़ रहे हो। चिंदू आप ही आहिस्ता बोले, मरवाएंगी आप। यार फाखर, मैंने तुम्हें कहा था यार, मेरा टाइम बहुत कीमती है, कल कॉन्सर्ट है, मैंने उसकी तैयारी करनी है यार।